हर तरफ जहां भी देखिए कैश ही कैश, इतना कैश जो आपके होश उड़ा देगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर पड़े इनकम टैक्स की, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां कैश ही कैश मिला है। दरअसल राज्यसभा सांसद धीरज साहू कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और उनके जुड़े ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। सांसद के रांची, लोहरदगा और ओडिशा स्थित ठिकानों पर एक साथ की गई छापेमारी में इतना कैश मिला है कि बैंक तक ले जाने के लिए ट्रक की जरूरत पड़ी। बताया गया कि कैश गिनने वाली मशीन पर भी इतना लोड पड़ा कि उसने काम करना बंद कर दिया। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक करीब 150 करोड़ रुपए की गिनती तो हो चुकी और अभी करीब आधा कैश गिनना बाकी है। सूत्रों की माने तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुल 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही एक सूत्र का कहना है कि यह राशि ओडिशा के बोलांगीर से बरामद की गई है, जहां धीरज साहू और उनके परिजन की शराब कंपनी है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनी साहू परिवार की है। कंपनी का ओडिशा में शराब बनाने का करीब 40 साल पुराना कारोबार है। धीरज साहू के पिता बलदेव साहू थे, जिनके नाम पर ग्रुप का नामकरण किया गया था। इसमें धीरज साहू के अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल है। हालांकि 2018 में धीरज साहू के चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 34 करोड़ रुपए ही बताई गई थी। आपको बता दें कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है और यहां इतना कैश मिला है कि जिसे गिनने के लिए कैश गिनने वाली मशीन भी जो है वो दम बोल गई। आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि कुल 300 करोड़ रुपए के आसपास कैश जो है वो झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर एक बार फिर हमलावर हो गई है।